यानी 30 अप्रैल को कांग्रेस नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि राजनीतिक भाषा में इसे शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मीय मुलाकात समझता हूँ। देश में जो स्थिति है और तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर बिना वजह जेल में बंद कर देना, इसके खिलाफ हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट हैं, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। देश में संविधान लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, इस तानाशाही को ख़त्म करेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग घटक दल हैं, अलायंस पूरी तरह से एकजुट है, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी या पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए हैं। दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान की बात है, ये किसी एक व्यक्ति को सांसद या किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पर रोज जो हमले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डिनेंस के तहत बदल दिया गया, विकास कार्य को अटकाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव के बीच में कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। दिल्ली के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास वोट देने का मौका है। अरविंद सिंह लवली के दिए गए अध्यक्ष पद से इस्तीफा पत्र में कन्हैया कुमार पर नाराजगी जताने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला, ना वो पत्र मैंने पढ़ा है। देश भर में जो बीजेपी कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस के किसी नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ देश में हो रही है। सूरत इंदौर में क्या हुआ हमने देखा है। दिल्ली के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास वोट देने का मौका है, आपके उम्मीदवार टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए। देश में जो स्थिति है, तानाशाही चल रही है और विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार उनका पर्चा रद्द कर दिया जा रहा है या फिर मारपीट कर घर में बैठा दिया जा रहा है। इसी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बताया कि कन्हैया कुमार खुद तिहाड़ में रहे हैं, इन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया।